ईरान में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 50 हो गई। न्यूज एजेंसी के मुताबिक हलाकतें कम शहर में हुई हैं। रुकने पार्लियामेंट ने हलाकतों की तादाद छुपाने पर हुकूमत को तनकीद का निशाना भी बनाया है। अफगानिस्तान में भी पहले कोरोना केस की तस्दीक कर दी गई है। इटली में वायरस से चौथी हलाकत हुई है, जबकि दुनिया में वायरस से हलाकतों की तादाद 2662 हो गई है। जनूबी कोरिया में 70 नए केस रिपोर्ट हुए हैं। रुकने पार्लियामेंट ने हलाकतों की तादाद छुपाने पर हुकूमत को तनकीद का निशाना भी बनाया है। अफगानिस्तान में भी पहले कोरोना केस की तस्दीक कर दी गई है। इटली में वायरस से चौथी हलाकत हुई है, जबकि दुनिया में वायरस से हलाकतों की तादाद 2662 हो गई है। जनूबी कोरिया में 70 नए केस रिपोर्ट हुए हैं। रुकने पार्लियामेंट ने हलाकतों की तादाद छुपाने पर हुकूमत को तनकीद का निशाना भी बनाया है। अफगानिस्तान में भी पहले कोरोना केस की तस्दीक कर दी गई है। इटली में वायरस से चौथी हलाकत हुई है, जबकि दुनिया में वायरस से हलाकतों की तादाद 2662 हो गई है। जनूबी कोरिया में 70 नए केस रिपोर्ट हुए हैं। रुकने पार्लियामेंट ने हलाकतों की तादाद छुपाने पर हुकूमत को तनकीद का निशाना भी बनाया है। अफगानिस्तान में भी पहले कोरोना केस की तस्दीक कर दी गई है। इटली में वायरस से चौथी हलाकत हुई है, जबकि दुनिया में वायरस से हलाकतों की तादाद 2662 हो गई है। जनूबी कोरिया में 70 नए केस रिपोर्ट हुए हैं। रुकने पार्लियामेंट ने हलाकतों की तादाद छुपाने पर हुकूमत को तनकीद का निशाना भी बनाया है। अफगानिस्तान में भी पहले कोरोना केस की तस्दीक कर दी गई है। इटली में वायरस से चौथी हलाकत हुई है, जबकि दुनिया में वायरस से हलाकतों की तादाद 2662 हो गई है। जनूबी कोरिया में 70 नए केस रिपोर्ट हुए हैं।